राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल उषा तरवर के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए, मैंने यहाँ पर ये मेरे पास साईं बाबा हैं, तो आप साईं बाबा के लिए, माता रानी के लिए, ठाकुर जी के लिए आप ये पोंचू बना सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास साईं बाबा हैं, ठाकुर जी भी हैं, पर ठाकुर जी के लिए मैं इसमें ड्रेस पूरा मतलब पूरी मतलब पोशाक बनाऊंगी मैं उनके लिए, ठीक है। तो मैंने देखी यहाँ साईं बाबा के लिए ये मैंने इस डिज़ाइन की पोंचू बनाई थी, मैंने सोचा आपके साथ में मैं ये शेयर करूं और ठाकुर जी की पोंचू मतलब घेरे में मैं ये डिज़ाइन आपको डाल करके दिखाऊं, ठीक है। तो चलिए, मैं आपको इस डिज़ाइन की ठाकुर जी की जो मैं ड्रेस बनाऊँगी उसमें मैं ये डिज़ाइन आपको डाल करके दिखाती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर पहले से ही मैंने ये चोली और ये घेरा बना करके रखा हुआ है, ये मैंने आपको पहले भी बनाना बताया है और इसका वीडियो मेरे चैनल पर पहले से अपलोड है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है ना, ये हमारा पूरा कंप्लीट घेरा है, ठीक है। आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा घेरा है, कभी छोटा कभी बड़ा, तो देखिए ऐसा होता है, ये हमारा 5 और 6 नंबर ठाकुर जी के लिए पूरा कंप्लीट घेरा है, क्योंकि देखिए हम 1 2 3 4 हम 4 राउंड लगाएंगे। 5 और 6 नंबर ठाकुर जी के लिए ही मैं बता रही हूँ, हम 4 राउंड लगाएंगे। तो उसके बाद में देखिए हम आगे को डिजाइन भी डालते हैं, उसके बाद में हम आगे के लिए डिजाइन भी डालते हैं, ठीक है। अब हमें क्या है, मैं इसके आगे डिजाइन नहीं डालनी है, हमें इस पर इसी तरीके से नेट का डिजाइन बनाना है। जिस तरीके से मैंने इसमें ये साईं बाबा की पोंचू में मैंने ये डिजाइन बनाया है ना नेट का, इसी तरीके से हमें सेम इसमें घेर के ऊपर हमें नेट का डिजाइन बनाना है, ठीक है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए, हमें इस कलर की ऊन लेनी है, जिस कलर का हमने घेरा बनाया है फिरोजी कलर, हमें उसी कलर का यूज करना है। तो देखिए, जहाँ से चोली का ये है ना, ये देखिए, ये यहाँ से जहाँ से हम चोली को ज्वाइंट करते हैं वहाँ से हम, तो देखिए जहाँ से हम चोली को ज्वाइंट करते हैं वहाँ से हम इसे इस तरीके से हम कनेक्ट करेंगे। यहाँ से देखिए इस तरीके से हमने इसे कनेक्ट किया, देखिए। उसके बाद में हमने चेन बना दी, उसके बाद में हम यहाँ 8 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चेन होंगी। और 8 चेन के बाद में देखिए हमें इस तरीके से थोड़ा लूज छोड़ते हुए जाना है हमें, ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए 1 2 3 3 हमें सिंगल क्रोशे इस तरीके से छोड़नी है, ये देखिए आप, और यहाँ पर हमें ये लूज ही छोड़ते हुए जाना है। फिर से हम 8 चेन बनाएंगे, 2 3 4 5 6 ठीक 7 8 ये हमारी 8 हो गई हैं। अब उसके बाद में हमें फिर से हमें यहाँ लूज ही छोड़ना है, हमें टाइट नहीं बनानी है क्योंकि हमारी फिर फिनिशिंग नहीं आएगी और हमारा ये घेरा बनता हुआ नहीं आएगा। तो देखिए हमने यहाँ फिर से हमने 8 चेन बनाई है, और 8 चेन बनाने के बाद में देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ इस तरीके से हम इसे यहाँ कनेक्ट कर देंगे। देखिए ये हमने बना दिया, उसके बाद में फिर से हम 8 चेन बनाएंगे, 3 4 5 6 7 8 ये हमारी 8 चेन हो गई हैं। और 8 चेन के बाद में देखिए फ्रेंड्स, फिर से हम यहाँ इस तरीके से लूज छोड़ना है। वो आपके ऊपर है कि आप 2 सिंगल क्रोशिया स्कीप करना चाहते हैं या 3 करना चाहते हैं। आप, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको ये चेन लूज छोड़ना है, टाइट नहीं करना है, लूज छोड़ना है। तो देखिए हम इसे यहाँ इस तरीके से, और आप इसे छोटे साइज में भी बना सकते हैं और आप इसे बड़े साइज में भी बना सकते हैं, ओके। तो देखिए हम यहाँ पर फिर से हम 3 4 5 6 7 8 ये हमारी 8 चेन हो गई हैं, और 8 चेन के बाद में फिर से हम इसे यहाँ पर लूज ही छोड़ेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ लूज ही छोड़ेंगे इस तरीके से, देखिए अब ये देख सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है, और उसके बाद में फिर से हमें यहाँ लूज ही बनानी है, ये देखिए इस तरीके से। मैं अभी आपको इसे कनेक्ट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए हमें इस तरीके से ही ये बनानी है। तो देखिए हमारी ये आ रही हैं उठी हुई, देखिए हमें लूज ही बनानी है जिससे कि हमारे ऊपर इसका नेट का डिजाइन बनता हुआ आए।
तो देखिए हमें इस तरीके से बनाना है, ठीक है। चलिए तो मैं एक बार और आपको बताती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमारी 8 चेन हुई हैं। और 8 चेन के बाद में देखिए यहाँ पर हमें लूज ही चेन बनानी है इस तरीके से, देखिए। चलिए तो मैं आपको ये यहाँ तक कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा ये पूरा रो यहाँ तक कंप्लीट हो गया इसका। अब देखिए हमें क्या करना है, फिर से हमें 8 चेन लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हमारी 8 चेन हुई है। अब हमें क्या करना है, ये देखिए देखिए इस तरीके से, देखिए आप ये हमारी चेन है। तो हमें इस तरीके से यहाँ यहाँ पर हमें बहुत हल्के हाथ से इस तरीके से हमें ये कनेक्ट करनी है। फिर से हम 8 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये हमारी 8 हमने ये बना ली। और 8 के बाद में फिर से हम इसे यहाँ हल्के बहुत ही ढीले हाथ से कनेक्ट करेंगे इस तरीके से। तो देखिए हमारा ये नेट बनता आ रहा है इस तरीके से। फिर से हम 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई हैं। अब देखिए 8 के बाद में फिर से हम इस तरीके से हम बनाएंगे। तो देखिए मैं आपको एक बार बना दिखाती हूँ किस तरीके से आ रहा है हमारा वर्क। तो देखिए हमारा वर्क कुछ इस तरीके से आएगा, ये देखिए हमारा वर्क कुछ इस तरीके से आ रहा है। फ्रेंड्स देखिए हमें पहले इस कलर का यूज करना है, जिस कलर की मैंने आपको अभी ये फिरोजी कलर है, इस कलर की हमने चैन बनाई है। उसके बाद में हमारे एक राउंड और लगेगा, ठीक है, क्योंकि हमें क्रीम कलर लगाना है बीच में और उसके बाद में फिर हमें फिरोजी कलर यही कलर यूज करना है। तो देखिए हम यहाँ हमारे 2 राउंड हो गए, दूसरा राउंड हमारा चल रहा है, पहला ये है और दूसरा ये है और थर्ड राउंड हमारा एक और आएगा, ठीक है। उसके बाद में फिर हम ये क्रीम कलर का हम यूज करेंगे, ठीक है। चलिए तो मैं आपको यहाँ तक इसे कंप्लीट करके दिखाती हूँ इसी तरीके से। तो देखिए हमारी सेकंड रो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब देखिए हमारा थर्ड रो है, थर्ड रो भी हमारा इसी तरीके से कंप्लीट होगा। तो 2 चैन है और थर्ड रो में हमें 9 चैन बनानी है, 8 चैन नहीं रखनी है, 9 बनानी है। तो देखिए हमारी 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, हमारी 9 हो गई हैं। और फिर हमें इसी तरीके से हमें देखिए यहाँ पर हमें इस तरीके से हमें ये जॉइंट करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारी 9 हो गई हैं। और उसके बाद में हमें यहाँ पर इसी तरीके से हमें कंप्लीट करनी है। तो ये देखिए हमारी इस तरीके से ये हमारा ये वर्क आता जाएगा। और फ्रेंड्स उसके बाद में देखिए हमारा थर्ड रो है, ये थर्ड रो के बाद में देखिए हमें अपना क्रीम कलर का यूज करना है। और क्रीम कलर को भी हमें सेम इसी तरीके से हमें ये लगाना है, ठीक है। हमें क्रीम कलर में भी हमें यहाँ तक हम आ जाएंगे, उसके बाद में हम क्रीम कलर को सेम इसी तरीके से लगाएंगे और उसमें भी क्रीम कलर में भी हमें 9 चैन लेनी है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको थर्ड रो इसका कंप्लीट दिखाती हूँ और 2 राउंड मैं आपको इसके कंप्लीट करके दिखाती हूँ। और फिर मैं इसी कलर में बाद में जब क्रीम कलर का मेरे 2 राउंड हो जाएंगे उसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए हमारे ये राउंड कंप्लीट हो गए हैं, देखिए हमारा ये भी राउंड कंप्लीट हो गया है। और हमारा ये क्रीम कलर के जो मैंने आपको 2 राउंड बताए थे, बट मैंने यहाँ पे 3 लिए हैं 2 नहीं लिए हैं मैंने 3 राउंड लगाए हैं। तो देखिए हमारा ये कुछ इस तरीके का नेट का डिजाइन आएगा, इसी के ऊपर हमारा इस तरीके से नेट का डिजाइन बनता हुआ आएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम ये वाला कलर लगाते हैं, हमने यहाँ ये नेट बनाई है ना, इसी के तरीके से नेट हमें यहाँ बनानी है। तो चलिए हम ये यहाँ पर ले लेंगे, यहाँ से हमने उनको कट किया है। तो देखिए ये हमारी ऊन यहाँ यहीं से हम इसे जॉइंट करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। देखिए अब हमें यहाँ पर 11 चेन बनानी है इसमें, ठीक है। हम 11 चेन बनाते हैं, तो हमारी देखिए 3 चेन हो चुकी हैं और ये 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हमारी 11 चेन हुई हैं। 11 चेन के बाद में ठीक हमें उसी तरीके से इसे जॉइंट करना जिस तरीके से हमने बाकी की जॉइंट की हैं, ठीक है। फिर से हमें 11 चेन बनानी है, कितनी, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हमारी 11 हो गई हैं। अब 11 के बाद में देखिए हमें फिर से हम इसी तरीके से जॉइन करेंगे, फिर से हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देखिए 10 हो गई हैं और ये 11, ठीक है। फिर से हम इसी तरीके से जॉइन करेंगे। इसे बनाने में कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल तरीका है ये बनाने का। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरीके से ये
आएगा। ये देखिए, ये इस तरीके से आएगा। देखिए ये इस तरीके से हमारी नेट बनती हुई आएगी। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से, जैसे हमारा ये है, ये यहाँ इसी तरीके से हमारे यहाँ पे ये जॉइंट होंगे, तो यहाँ पे ये इस तरीके से ये डिजाइन इस तरीके से ये बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको ये पूरा राउंड यहाँ तक कंप्लीट करके, यहाँ तक कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हमारा ये राउंड पूरा हो गया है। देखिए हम ये लास्ट में हैं। अब देखिए हमें इसे कहाँ जोड़ना है, यहाँ इस पर। देखिए इस तरीके से एक बार फिर से बताती हूँ मैं आपको। देखिए ये हमने यहाँ कनेक्ट किया, उसके बाद में हमने यहाँ से ये ऊन हमने यहाँ से लगाई थी फ्रोजी कलर की, हमें यहाँ नहीं जोड़ना अब। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ इस पर इस तरीके से हमें ये जोड़ देना है इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद में फिर से अब यहाँ से हम 12 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, हमारी 12 चैन होंगे। 12 चैन को हम इसी तरीके से कनेक्ट करेंगे जिस तरीके से हमने बाकी के चैनों को जोड़ा है, इसी तरीके से हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हमारी 12 हो गई हैं। 12 के बाद में देखिए फिर से हम इस तरीके से हम जोड़ देंगे, फिर से हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12, पहले हमारी फिरोजी कलर में जो हमने क्रीम कलर के बाद में जोड़ी है उसमें हमने 11 चैन बनाई थी, 11 चैन के बाद हम सेकंड रो में हम 12 चैन बनाएंगे, 12 चैन बनाई है हमने इसमें। देखिए हमने हमारी 12 चैन बन गई हैं, हमने यहाँ जोड़ दिया इसे। अब देखिए हम क्या करेंगे, मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से हमें, ये देखिए इस तरीके से हमें क्या करना है। देखिए ये हमारा इस तरीके से वर्क आएगा। देखिए आप इस तरीके से हमारा ये पूरा वर्क आएगा। ये देखिए आप देख सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से आएगा। तो इस राउंड की हमें अभी 2 राउंड और लगाने हैं इस कलर के, क्योंकि देखिए फर्स्ट रो हमारा ये हो गया, सेकंड हमारा ये हो गया, उसके बाद में थर्ड और फोर्थ रो हमें पूरे कंप्लीट करने हैं। तो चलिए मैं आपको पूरे इसके 4 राउंड कंप्लीट करके इस चेन के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा इस तरीके से ये नेट बन करके तैयार हो गया। मैंने इसके भी 4 राउंड लगा लिए हैं, ये देखिए 1 2 3 और ये 4, तो हमारे ये 4 राउंड बन करके पूरे तैयार हो गए। अब देखिए हमें इसे किस तरीके से करना है, ये देखिए अब हमें ये यहाँ से इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से 1 2 3 3 हाफ क्रोशिया बनाने के बाद में फिर हमें 3 चेन लेनी है, और 3 चेन के बाद में हमें देखिए यहाँ से हमें इस तरीके से लूप निकाल देना है। फिर से हमें इसी के अंदर 3 क्रोशिया सिंगल हाफ क्रोशिया बनानी है, सॉरी हाफ क्रोशिया इस तरीके से बनानी है। देखिए अभी ये बन गई है, उसके बाद में देखिए हमें फिर से क्या करना है। देखिए देखिए हमारी ये बन गई है, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद में हमें क्या करना है, देखिए यहाँ तक इस तरीके से इसे इस चैन को लेंगे, देखिए ये चैन लेंगे इस तरीके से, और इसे इस यहाँ इसके बराबर में रखेंगे, और इसके ऊपर से हाफ क्रोशिया इस तरीके से निकालते हुए हम जाएंगे इस तरीके से, और हमें यहाँ तक आना है हाफ क्रोशिया निकालते हुए। देखिए इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से हम हाफ क्रोशिया निकालते हुए जाएंगे, ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए उसके बाद में हमें क्या करना है, इस तरीके से लेना है। देखिए हाफ क्रोशिया हमें ऐसी वाली नहीं बनानी है, ये हमारी सिंगल हो गई, और वो वाली हमारी डबल वाली है। तो देखिए डबल वाली हमें इस तरीके से, इसके अंदर से इस तरीके से हमें हाफ एक साथ निकाल देना है, डबल हाफ क्रोशिया। तो देखिए 2 हो गई हैं, और ये 2 के बाद में हमारी 3 हो गई। 3 के बाद में फिर से हम इसे 3 चेन बनाएंगे, और 3 चेन के बाद में इस तरीके से हम लूप निकाल देंगे, और इसके बाद में देखिए फिर से इसी के अंदर 3 बार हाफ क्रोशिया बनानी है। तो ये देखिए 1, ये 2 और ये 3। देखिए फिर से हमें क्या करना है, इस तरीके से चेन को पकड़ेंगे। देखिए इस तरीके से हमने अपनी चेन को पकड़ा, इसे जो हमने बनाई है नेट की,
और फिर यहाँ इस तरीके से सिंगल हाफ क्रोशिया बनाते हुए, देखिए इस तरीके से बनाते हुए, और हम यहाँ तक आएंगे, यहाँ तक देखिए इस तरीके से बनाते हुए हम आ जाएंगे। तो देखिए हमारा कुछ इस तरीके से वर्क आएगा, ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से हमारा कुछ ये वर्क आएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको ये पूरा कंप्लीट करके, इसी तरीके से आपको बनाना है, तो चलिए मैं आपको पूरा कंप्लीट करके यहाँ तक दिखाती हूँ। तो देखिए हमारा इस तरीके से बन करके तैयार हो गया, ये देखिए आप देख सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से बन गई है, ये देखिए। तो हमारा देखिए इस तरीके से नेट ये फूला फूला रहेगा, क्योंकि अगर हम इसे ज़्यादा खींचेंगे, खींच करके करेंगे ना, तो ये झोल आ जाएगा इसमें, इसके घेरे में, पीछे में जो हमने घेरा बनाया है इसमें झोल आ जाएगा, फिनिशिंग नहीं आएगी। तो ये जाली इस तरीके से जो हमने नेट बनाई है, देखिए ये फूली फूली नेट नहीं आएगी। ठीक है, अब देखिए हमें इसकी बाजू, फुल बाजू बनानी है हमें इसकी। ठीक है, तो देखिए हम फुल बाजू बनाते हैं। देखिए हमें क्या करना है, यहाँ से, यहाँ से हमें इसे इस तरीके से थ्री चेन बनानी है, और थ्री चेन के बाद में हर इसमें से हाफ क्रोशिया, सॉरी सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमें जाना है इस तरीके से। देखिए इस तरीके से हमें सिंगल क्रोशिया बनाते हुए, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है यहाँ तक, इस तरीके यहाँ तक, देखिए इस तरीके से। तो इसी तरीके से हमें इसी के ऊपर हमें ऐसे ही वन वन टाइम सिंगल क्रोशिया बनानी है, और ये हमें आधा, हमें यहाँ में ये हमारी एक हो गई है, इसके बाद में हमें चार और बनानी है, तो हमारी पांच हो जाएंगी। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें इधर बनानी है, और इसी तरीके से हमें इधर बनानी है। तो चलिए मैं आपको ये पूरा दोनों बाजू कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हमारी ये इस तरीके से बाजू बन करके तैयार है दोनों, देखिए इस तरीके से। चलिए मैं आपको इन्हें सिलकर दिखाती हूँ, मैंने पहले से ही इसमें सुई में धागा डाल करके रखा है, तो चलिए मैं आपको सिल करके दिखाती हूँ। तो देखिए हम इसे इस तरीके से उल्टा करेंगे, और उसके बाद में इस तरीके से हमने ये उल्टा किया। ठीक है, और उसके बाद में देखिए हम इसे यहाँ से इस तरीके से ऐसे सिलते हुए आएंगे इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से सिलेंगे इस तरीके से, ये देखिए। इस तरीके से देखिए ऐसे, इस तरीके से हमने इधर एक नॉट लगा दी, ये देखिए। और हम बाकी की जो एक्स्ट्रा होना है इसे हम सुई से कट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में हम इसे देखिए सीधा कर लिया, हमने ये सीधी कर ली, इसी तरीके से हम इसे सिलेंगे। तो चलिए मैं इसे सिल करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए हमारे ये इस तरीके से दोनों बाजू बन करके तैयार हो गई हैं, हमने इस बार फुल बाजू की बनाई है। तो देखिए इस तरीके का हमारा ये डिजाइन आएगा, और इसके साथ की मैचिंग की कैप ये है, देखिए मैंने ये सिंपल कैप है। ठीक है, मैंने आपको सिंपल कैप बनाना बताया है, पहले से वीडियो अपलोड है, वहाँ से आप ये सिंपल कैप देख सकते हैं। और उसके ऊपर मैंने ठीक इस तरीके से जो मैंने ये चेन का नेट बनाया है, इसी तरीके से मैंने यहाँ चेन बना बना के इसकी जाली बना दी है, ठीक इसी तरीके से बनाई है। तो देखिए हमारी कैप भी बन करके तैयार है, चलिए हम इसे इसमें साथ में जोड़ देते हैं इस तरीके से।
तो देखिए हमारी इस तरीके से मैचिंग की कैप बन करके तैयार है। ये देखिए, देखिए ये हमारा डिजाइन आएगा। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी तो आप प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, और जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं जो भी न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप पास सबसे पहले पहुँचे। कमेंट करना ना भूलिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। तो देखिए चलिए अब हम मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए राधे राधे।